दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों चाणक्य की नीति का एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य की नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति ग्रंथ यानी चाणक्य की नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य के एक महान शिक्षक, कुशल अर्थशास्त्री और माहिर कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन की हर समस्या का बहादुरी से सामना किया। दोस्तों चाणक्य ने कभी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहे। चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति पुस्तक के माध्यम से जीवन की कुछ समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिलाया है। दोस्तों वहीं चाणक्य नीति जहां भविष्य को उज्जवल बनाने के समाधान बताती है, वहीं जीवन में सफल होने और दुष्ट लोगों से बचने का भी उपाय बताती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व में विख्यात हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि चाणक्य जी ने कहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी महिलाओं से हमें कभी भी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। कौन सी वो महिलाएं हैं आइए जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जरा विस्तार से। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में काफी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वो किस समय किस प्रकार से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास अध्ययन किया है। आचार्य चाणक्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि महिलाएं कभी भी भरोसा करने के लायक नहीं होती हैं। दोस्तों चाणक्य की नीति में उनके लिखने के पीछे भी कई ठोस तथ्य शामिल हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें भरोसे के लायक नहीं बनाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए कि महिलाएं कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक नहीं रख पाती हैं। दोस्तों सीक्रेट बातें दूसरे लोगों तक ले जाना उनकी आदत होती है, इसलिए आप उनसे जो भी बात साझा करेंगे वो बातें दूसरे लोगों तक ना जाएं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य के महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते हैं। महिलाओं के सामान्य लक्षणों के अलावा भी आचार्य चाणक्य ने महिलाओं को ऐसी बातों को नीति शास्त्र में लिखा है जो उन्हें विश्वास के योग्य नहीं बनाती हैं। दोस्तों चाणक्य जी ने कहा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे पुरुषों को कभी भी भूल कर शादी नहीं करना चाहिए। कौन सी वो स्त्रियां हैं आइए जानते हैं। दोस्तों चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसे पसंद करके उससे विवाह कर लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण और अवगुणों के बारे में जानना जरूरी होता है। दोस्तों आगे चाणक्य जी कहते हैं, इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही शादी के बारे में निर्णय करना चाहिए। सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और वो अपने पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है।
दोस्तों चाणक्य जी के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देती है। लेकिन इनकी जगह यदि गलत स्त्री को चुन लिया जाए जो संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत ना समझती हो तो न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अधार्मिक होती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुंदरता मन की देखनी चाहिए और तन की सुंदरता को आप बिल्कुल भी ना देखें, इसी में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो में हमने आचार्य चाणक्य जी के जो बेहद ही अनमोल और अद्भुत वचन बताए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आए होंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।